मैं सभी कैंडिडेट्स को बधाई देता हूं और जो साइकिल के दो ग्रुप है, एक बड़ौदा और एक काशी, मैं बड़ौदा से भी पहली बार सांसद बना था और काशी से भी सांसद बना था। मेरे नौजवान साथियों, कभी बेटियों की भागीदारी सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित रहती थी, आज दुनिया देख रही है कि भारत की बेटियां जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में कैसे लोहा मनवा रही है। इसकी झांकी कल कर्तव्य पथ पर सबने देखी है। ये जो कुछ भी कल दुनिया ने देखा, ये अचानक नहीं हुआ है, ये बीते 10 वर्षों के सतत प्रयास का परिणाम है। भारत की परंपरा में हमेशा नारी को एक शक्ति के रूप में देखा गया है। भारत की धरती पर रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा और वेलु नाचियार जैसी वीरांगनाएं हुई है। आजादी की लड़ाई में एक से बढ़कर एक महिला क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को पस्त कर दिया था। बीते 10 वर्ष में हमारी सरकार ने नारी शक्ति की इसी ऊर्जा को निरंतर सशक्त किया है। जिन भी सेक्टर्स में पहले बेटियों के लिए एंट्री बंद थी या लिमिटेड थी, हमने वहां हर बंदिश हटाई है। हमने तीनों सेनाओं के अग्रिम मोर्चों को बेटियों के लिए खोल दिया। आज सेनाओं में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। बेटियों के लिए तीनों सेनाओं में कमांड रोल्स और कॉम्बैट पोजीशन में रखने के रास्ते खोले गए हैं। आज आप देखिए, अग्निवीर से लेकर फाइटर पायलट तक बेटियों की भागीदारी बहुत अधिक बढ़ रही है। पहले सैनिक स्कूलों में भी बेटियों को पढ़ाई की इजाजत नहीं थी। आज देश भर में अनेक सैनिक स्कूलों में बेटियां पढ़ रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों में तो 10 वर्षों में महिला कर्मियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो चुकी है। राज्य पुलिस फोर्स में भी ज्यादा विमेन फोर्स के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और साथियों, जब ऐसे प्रोफेशन में बेटियां जाती हैं तो इसका असर समाज की मानसिकता पर भी पड़ता है। इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने में भी मदद मिलती है। युवा साथियों, समाज के दूसरे सेक्टर्स में भी बेटियों की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। गांव-गांव में बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, इससे जुड़ी सर्विस डिलीवरी में भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां ही हैं। आज स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हर क्षेत्र में बेटियां अपनी छाप छोड़ रही है। युवा साथियों, बेटों और बेटियों के टैलेंट को जब देश बराबरी का अवसर देता है तो
तो उसका टैलेंट पूल बहुत बड़ा हो जाता है। यही तो विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। आज पूरी दुनिया की ताकत भारत के इस टैलेंट पूल पर, आज पूरी दुनिया भारत को विश्व मित्र के रूप में देख रही है। भारत के पासपोर्ट की ताकत बहुत अधिक बढ़ रही है। इसका सबसे अधिक फायदा आप जैसे युवा साथियों को हो रहा है, आपके कैरियर को हो रहा है। दुनिया के अनेक देश आज भारत के युवाओं की प्रतिभा को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। युवा साथियों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये जो अमृत काल है, यानी आने वाले 25 साल है, इसमें हम जो विकसित भारत बनाने वाले हैं उसका लाभार्थी मोदी नहीं है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी आप जैसे मेरे देश के युवा हैं। इसके लाभार्थी जो विद्यार्थी अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, वे लोग हैं। विकसित भारत और भारत के युवाओं के कैरियर की ट्रेजेक्टरी एक साथ ऊपर की तरफ जाएगी। इसलिए आप सभी को भी मेहनत करने में एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए। बीते 10 वर्षों में स्किल हो, रोजगार हो, स्वरोजगार हो, इसके लिए हर सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर काम किया गया है। युवाओं के टैलेंट और युवाओं के कौशल का अधिक से अधिक उपयोग कैसे हो, इस पर बल दिया जा रहा है। नई सदी की नई चुनौतियों के लिए आपको तैयार करने के लिए ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। आज पीएम श्री स्कूल अभियान के तहत देश भर के हजारों स्कूलों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। बीते दशक में कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेशनल एजुकेशन से के जुड़े संस्थान हो, उनमें अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। बीते 10 वर्षों में भारत की यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल रैंकिंग में भी बहुत सुधार हुआ है। भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, मेडिकल सीटों में भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। अनेक राज्यों में नए आईआईटी और नए एम्स बनाए गए हैं। सरकार ने डिफेंस, स्पेस, मैपिंग जैसे सेक्टर्स को युवा टैलेंट के लिए खोल दिया गया है। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नया कानून भी बनाया गया है। ये सारे काम मेरे नौजवान दोस्तों आपके लिए ही है, भारत के युवाओं के लिए ही हुए हैं। साथियों, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बहुत बात करता हूं। ये दोनों अभियान भी आप जैसे युवाओं के लिए है। ये दोनों अभियान भारत के युवाओं को रोजगार के नए अवसर दे रहे हैं।
सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में भारत की डिजिटल इकोनॉमी हमारी युवा शक्ति की नई ताकत बनेगी, हमारी युवा शक्ति की नई पहचान बनेगी। भारत भी अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी बन सकता है। दशक भर पहले तक ये सोचना भी मुश्किल था। सामान्य बातचीत में स्टार्टअप्स का नाम ही नहीं आता था। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज बच्चा बच्चा स्टार्टअप की बात करता है, यूनिकॉर्न की बात करता है। आज भारत में 1.25 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। इनमें लाखों युवा क्वालिटी जॉब कर रहे हैं। इन स्टार्टअप में भी जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।